रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 1.5 साल से युद्ध जारी है। इस युद्ध में एक नया मोड़ आ गया है। इस युद्ध में रूस की ओर से प्रत्यक्ष रूप से उत्तर कोरिया की एंट्री हो गई है। अमेरिकी समेत तमाम नाटो से जुड़े देश जहां यूक्रेन की हथियारों समेत हर जगह से मदद कर रहे हैं, वहीं रूस अब उत्तर कोरिया से हथियार खरीदने की तैयारी में है। इसके लिए चर्चा तेज है। ऐसे में यूक्रेन की टेंशन भी बढ़ गई है। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड और उत्तराखंड शामिल हैं, जहां एक एक सीट पर चुनाव हो रहा है, जबकि त्रिपुरा की 2 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। विपक्ष गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने 1 सितंबर को मुंबई में हुई 3री बैठक के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी, जिसमें 14 सदस्य हैं। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक 13 सितंबर को दिल्ली में शरद पवार के घर पर होगी। जम्मू कश्मीर के रिहायशी में सेना का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। यहां कल सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी मारा गया था। इस एनकाउंटर में एक पुलिस वाला भी घायल हुआ था। पुलिस को इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने यहाँ कार्रवाई शुरू की। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले 28 लोगों की 94 दिन बाद भी पहचान नहीं हो सकी है। AIIMS भुवनेश्वर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट दिलीप पारिदा ने इसकी जानकारी दी। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 30 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 28 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वहीं 37 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 1 मरीज की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 69,48,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 69,00,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2.9 अरब से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। टीम इंडिया ने एशिया कप 2023 के Super 4 राउंड में प्रवेश कर लिया है। अब टीम का मुकाबला 10 सितंबर को पाकिस्तान से होगा। भारत ने सोमवार को नेपाल की टीम को 10 विकेट से हराया। इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल पर भारत के नाम 3 अंक हो गए हैं। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये लीटर तो डीजल 89.62 रुपये लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं देश के 16 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये लीटर के ऊपर बना हुआ है। शेयर बाजार में आज मामूली तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 43 अंक की तेजी के साथ 65,671 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी में 36 अंक की तेजी देखने को मिली। यह 19,564 के स्तर पर ओपन हुआ। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिल रही है।